आदरी शहर के बस स्टैंड रोड पर चोरों ने मोबाइल दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के मोबाइल व लैपटॉप चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने दुकान का शटर व पीछे के गेट को तोड़कर अंदर घुसकर घटना को अंजाम दिया। सिटी पुलिस मौका ने पहुंचकर मुआयना किया और जांच की। चोरी के दौरान चोरों द्वारा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया गया। वहीं एक कैमरे की फुटेज सामने आई है जिसमें चोर दुकान में घुस रहे हैं और चोरी का सामान ले जा रहे हैं। चोर दुकान से करीब 20 लाख रुपए के मोबाइल व लैपटॉप चोरी करके ले गए। आज सुबह बस स्टैंड रोड गजर स्टोर का मालिक संदीप पड़ोसी की दुकानों में फ़ोन पर सूचना दी गई कि उसके दुकान का शटर टूटा पड़ा है। दुकान मालिक ने अंदर झांककर देखा तो दुकान के अंदर रखे मोबाइल फ़ोन व अन्य सामान गायब था। दुकान मालिक ने चोरी की सूचना सिटी थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि चोर दुकान के शटर को तोड़कर अंदर गेट का शीशा तोड़कर घुसे हैं। दुकान के अंदर रखे कई कंपनियों के करीब 80 नए मोबाइल व फ़ोन व 5 लैपटॉप गायब मिले। पुलिस ने फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ टीम को बुलाया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट के सैंपल जांच हेतु लिए। दुकान मालिक संदीप ने बताया कि बीती रात वह दुकान को अच्छी तरह से बंद करके घर चला गया था। सुबह पड़ोसी की सूचना पर पहुंचकर देखा तो दुकान के शटर का ताला टूटा पड़ा था। दुकान खोली तो सामान बिखरा पड़ा था। दुकान में चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जांच कर रही है। दुकान मालिक के अनुसार दुकान में एप्पल, सैमसंग, रेडमी, वीवो व ओप्पो सहित कई कंपनियों के करीब 80 मोबाइल व 5 लैपटॉप हैं। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। दुकान में चोरी की घटना से शुभ मोबाइल दुकानदारों ने मार्केट बंद कर शहर में विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए SSP कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। चरखी दादरी से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। ये सुबह 7:30 बजे मेरे पास फोन आया बराबर वाले पड़ोसी का कि हमारी चोरी हो गई है और शीशे वगैरह आपका बाहर टूटा हुआ पड़ा है, एक बार आके आप चेक कर लो। तो मैं आया तुरंत, मैंने ये बीच वाला शटर खोला और साइड वाले शटर पे देखा कि ताला कोई और लगा हुआ है। तो शटर खोला, देखा अंदर सामान नहीं था, क्योंकि सारा सामान साफ कर रखा था। फिर मैंने ऊपर चेक किया, ऊपर भी से भी सामान लैपटॉप वगैरह उठा रखे हैं और बैक साइड के हमारी एग्जिट है उसके लॉक तोड़ रखे थे, उसका गेट वगैरह खुला पड़ा था। दो दुकान व्यापारी SP साहब से मिले हैं और उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरा सक्रिय है और आगे भी सक्रिय रहेगा, लेकिन इसमें कुछ व्यापारियों को भी सहयोग करने के लिए बोला गया है कि हर बाज़ार में चौकीदारों इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए व्यापारियों को भी कहा। CCTV कैमरे की भी मैक्सिमम लगाए जाएँ हर बाज़ारों में। हाँ, आज रात को बस अड्डे के सामने दादरी शहर में एक मोबाइल की दुकान पर चोरी हुई है, जिसको सुबह शामे पता लगा। संदीप मित्तल ने एक दरखास्त दी है जिसमें हमने मौके पर जाकर तुरंत देखा तो उसमें मोबाइलों की लाखों की चोरी हुई है। हमने शिकायत लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया और अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं, हम जल्दी चोरों को पकड़ रहे हैं। तो